बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है अदील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम जिस घर का विज़िट करेंगे उसकी लोकेशन जौहर टाउन G1 मार्केट के बिल्कुल करीब है। और ये घर जो है ये 12 मरले का घर है। इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, स्पेनिश स्टाइल के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया गया है। और इस घर की एक ख़ास बात यह है कि इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। ये सामने देखें, आपको डॉक्टर हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। ये सामने डॉक्टर हॉस्पिटल है, मेन की बिल्कुल बैक पे ये घर है। और 30 फुट का कारपेटेड रोड है। ये सामने पार्क है, फैमिली पार्क। ये मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। इस घर के सामने बिल्कुल फेसिंग पार्क ये घर है। और इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, इंतहाई डिसेंट स्टाइल में इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया गया है। स्पेनिश स्टाइल में है और 12 मरले का ये एरिया है। इसको हम विज़िट करेंगे और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आगे जाके इसकी प्राइस भी शेयर करेंगे। इंतहाई मुनासिब प्राइस के ऊपर ये घर मिल रहा है। तो यहाँ से हम घर को दाखिल होते हैं, तो घर को विज़िट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये गैराज है, गैराज के अंदर आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ ईजिली खड़ी की जा सकती हैं। टोटली टाइल फ्लोरिंग घर है और ये मेन एंट्रेंस है। LDA के रूल के मुताबिक घर बनाया गया है, साथ गली छोड़ी गई है। और इस साइड पे ये मेन एंट्रेंस है और ये साथ ड्राइंग रूम के एंट्रेंस है। गैराज के अंदर सीलिंग देखें, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग है। ये सामने विंडो लगाई गई है और सॉलिड कंस्ट्रक्शन की गई है। ऑनर बिल्ड ये घर है। यहाँ से हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो ये सामने मेन एंट्रेंस आती है। डबल यूनिट घर है, ये मेन टीवी लॉन्च का एंट्रेंस और यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। यहाँ से हम घर के अंदर चलते हैं। ग्लास वर्क किया गया है, ग्लास का डोर है। और इस साइड पे टीवी लॉन्च है। ये सामने देखें, बड़े साइज में मीडिया वॉल है और ऊपर सीलिंग है, रूफ लाइट के साथ सीलिंग है। शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है। नीचे 2x4 की गरारा टाइल्स लगाई गई हैं बड़े साइज में। और ये सामने ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, बिल्कुल सेपरेट डोर ग्लास वर्क के साथ। और इस साइड पे देखें तो 2x4 में बड़े साइज में टाइल्स लगाई गई हैं और यहाँ पे ऊपर सीलिंग है, रूफ लाइट के साथ सीलिंग, शैंडलियर इंस्टॉल है। ये सामने विंडो है। इस साइड पे वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने निश है और उसके अंदर लाइट वर्क किया गया है। बड़े खूबसूरत अंदाज में घर को डेकोरेट किया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी बड़ी सॉलिड है। ये सामने किचन की एंट्रेंस है। सबसे पहले हम किचन विजिट करते हैं, उसके बाद बेडरूम्स में चलते हैं। ये किचन के अंदर देखें तो खूबसूरत डोर नज़र आता है आपको ग्लास में। काफ़ी बड़े साइज में किचन है। यहाँ पे काउंटर मार्बल देखें, ब्लैक कलर में, इलेक्ट्रिक हुड और स्टोव इंस्टॉल है। ये सामने सिंक, यहाँ पे ऊपर सीलिंग है, रूफ लाइट के साथ सीलिंग, लाइट फैंस इंस्टॉल्ड हैं पूरे घर के अंदर बड़े डिसेंट स्टाइल में। यहाँ पे सामने डर्टी किचन बनाया गया है। नॉर्मली ये 12 मरले के अंदर नहीं होता लेकिन यहाँ पे बनाया गया है। ये सामने खूबसूरत काउंटर मार्बल और कबर्ड्स का डिजाइन बड़ा यूनिक स्टाइल में है। अच्छे ब्रांडेड जो है चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई हैं। यहाँ पे ऊपर सीलिंग है और इस साइड पे भी किचन की एंट्रेंस है। तो अभी हम चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, जो कि इंतहाई खूबसूरत डेकोरेशन की गई है और बड़े अच्छे तरीके से जो है उनको डेकोरेट किया गया है, बड़े अच्छे अंदाज में बनाया गया है। यहाँ पर सामने सीलिंग आती है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है, 2x4 में बड़े साइज में टाइल्स। यहाँ पे सामने विंडो, बड़े साइज में विंडो है और साथ वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग है, रूफ लाइट के साथ सीलिंग। और ये फैन देखें, बड़े खूबसूरत अंदाज में फैन लगाया गया है। यहाँ पे सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। बड़े साइज में बेडरूम है, 2x4 में टाइल्स लगाई गई हैं और इसके साथ अटैच वाशरूम दिया गया है। ये सामने खूबसूरत वेंटी
और यहाँ पे सामने कमोड है, खूबसूरत टाइल्स, और यहाँ पे सामने वॉशरूम आता है, और इसके अंदर कबर्ड्स हैं, बड़े साइज में कबर्ड्स हैं, और बड़े डिसेंट स्टाइल में एक्सेसरीज लगाए गए हैं, अच्छे ब्रांडेड। और अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। यहाँ पे सामने सेकंड बेडरूम में है, यहाँ पे भी 2x4 की गरारा टाइल्स हैं, यहाँ पे सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत रूफ लाइट के साथ सीलिंग है, फैन इंस्टॉल है, और पीछे विंडो दी गई है। इस साइड पे भी वॉलपेपर आता है, और साथ कबर्ड्स हैं, खूबसूरत ब्रांडेड कबर्ड्स, और इसका डिज़ाइन बड़ा यूनिक है। अभी हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर, तो ये साथ टाइल्स देखें, और इस साइड पे वेंटी आती है, तो ये सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में टाइल्स लगाई गई हैं। ये शावर एरिया है, और इस साइड पे कमोड, खूबसूरत टाइल्स, बड़े साइज में वॉशरूम बनाया गया है। ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, किचन आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे भी लॉन्ड्री एरिया दिया गया है, और ये सामने फर्स्ट फ्लोर के पे जाने के लिए रास्ता है, आप रेंट पे भी दे सकते हैं। पोर्शन वाइज डबल यूनिट घर है, प्रॉपर डबल यूनिट है, यहाँ से आप सेपरेट करें और बिल्कुल आपका प्राइवेसी का कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पे टाइल्स और मार्बल का इस्तेमाल किया गया स्टेयर्स के ऊपर। ये हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं, तो ये सामने टाइल्स आती हैं, यहाँ पे भी निश है, और सामने खूबसूरत फनूस इंस्टॉल किया गया है। और ये सामने फर्स्ट बेडरूम है, 2x4 में बड़े साइज में टाइल्स, ये सामने विंडो, और ऊपर सीलिंग, खूबसूरत सीलिंग है। यहाँ पे सामने निशेज बनाई गई हैं, उसके अंदर लाइट वर्क किया गया है, और ये सामने कबर्ड्स मिलती हैं आपको, बड़े साइज में कबर्ड्स हैं। नॉर्मली जो है यहाँ पे छोटी कबर्ड्स बनाई जाती हैं, जो कि घरों में बड़ा इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे बड़े साइज में हैं, और इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है। ये सामने कमोड और टाइल्स वर्क देखें, खूबसूरत टाइल वर्क है। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। अभी हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। ये सामने मेन एंट्रेंस है, और बड़े साइज में टीवी लॉन्च मिलता है आपको। ये सामने मीडिया वॉल, और इसके अंदर निशेज बनाई गई हैं, लाइट वर्क किया गया है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग देखें, खूबसूरत सीलिंग की गई है, शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पे सामने फैन भी इंस्टॉल किए गए हैं, बड़े साइज में खूबसूरत फैन है। यहाँ पे सामने किचन उसी तरह का डिज़ाइन है जैसे नीचे था। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर, तो ये बड़े साइज में किचन मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक हुड स्टोव इंस्टॉल है, ब्लैक कलर में काउंटर मार्बल है। किचन देखें कितना स्पेशियस और बड़े साइज में किचन है। ये सामने कबर्ड्स, और यहाँ पे सामने सीलिंग, यहाँ पे सामने किचन है बड़े साइज में। और अभी हम चलते हैं बेडरूम्स के अंदर। यहाँ पे आपको बेडरूम मिलता है, सेकंड बेडरूम, 2x4 में बड़े साइज में टाइल्स लगाई गई हैं, और यहाँ पे सामने फैंसी लाइट्स और सीलिंग, यहाँ पे सामने विंडो, यहाँ पे वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल है, और इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है। ये सामने वेंटी है, कमोड, टाइल्स का इस्तेमाल देखें, खूबसूरत टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सामने कबर्ड्स हैं, बड़े साइज में कबर्ड्स, बड़े डिसेंट स्टाइल में वॉशरूम के टाइल्स हैं। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम के अंदर, और ये सामने आपको थर्ड बेडरूम मिलता है, खूबसूरत बड़े साइज में टाइल्स, वॉलपेपर का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है, ऊपर सीलिंग है। यहाँ पे सामने कबर्ड्स, और इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है।
ये सामने वेंटी कमोड और यहाँ पे सामने टाइल्स हैं और ऊपर सीलिंग। अभी हम चलते हैं छत के ऊपर और आपको टेरेस विजिट करवाते हैं, जहाँ से हम बाहर चलते हैं तो यहाँ भी सामने टेरेस आता है। टेरेस और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलता है। यहाँ पे मार्बल लगाया गया है और इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है। ये सामने WC और टाइल्स वर्क किया गया है प्रॉपर, और इस साइड पे भी बड़े साइज में कबर्ड्स हैं। ये सामने टाइल वर्क देखें खूबसूरत। अभी हम चलते हैं छत के ऊपर, तो ये मार्बल लगाया गया छत के ऊपर। तो इस घर की अगर प्राइस की बात करें तो 6.5 करोड़ रुपया इस घर की डिमांड है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ये सामने यहाँ पे भी एक स्पेस दी गई है, यहाँ पे आपकी कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह हो एज ए स्टोर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस घर की ये लोकेशन मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ये सामने डॉक्टर हॉस्पिटल है, नहर के बिल्कुल करीब है, इंतहाई मुनासिब प्राइस के ऊपर मिल रहा है। अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। 6.5 करोड़ रुपये इस घर की डिमांड है। और ये घर के बिल्कुल सामने जो है पार्क नज़र आता है आपको, ये सामने पार्क है।